ये इधर से झूला आ रहा है। अभी हमारे साथ हमारे आगे जो देख सकते हैं भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक या महान स्तूप नियोजित। ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम घूमेंगे राजगीर का शांति स्तूप। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी लोग हम लोग तैयार हो चुके हैं बाहर घूमने के लिए और हमारे साथ हैं रामू, राम प्रकाश और सारे लोग तैयार हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से और यहाँ के बारे में सारा चीज बताएंगे, जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ का वीडियो बनाएंगे। ये देख सकते हैं यही गेट है, इसी गेट से अंदर झूला है और अभी विश्व शांति स्तूप के पास आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये विश्व शांति स्तूप, उसके बाद आकाशीय रज्जू मार्ग, गिद्धकूट, घोड़ा कटोरा जलाशय सारा यहीं पे है। इतना ही दूर मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, उसके बाद रिक्शा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। टिकट लेने टिकट लेकर रोड पे जाने वाली है, टिकट की कॉपी करके टिकट काउंटर से टिकट ले लेंगे। आना जाना 80 रुपया, मास्क लगाकर इंटरव्यू करेंगे। यह है टिकट काउंटर, यहाँ पे देख सकते हैं कुंदन भाई टिकट कटवा रहे हैं। देख लेते हैं टिकट का पर आदमी का 80 रुपया है। बंदरों का झुंड जो कि कार पे बैठे हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा मिले के टाइप का बाजार लगा हुआ है। और ये वेटिंग एरिया, हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मण झूला पे। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लक्ष्मण झूला है, नीचे लोग बैठ के जाते हैं। यहाँ पे वन बाय वन करके सारे लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं एक बार में एक ही आदमी जा सकते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए यहाँ से इधर से झूला आ रहा है, वन बाय वन करके सारे लोग जा रहे हैं। ये अभी अंकुर भाई बैठ गया है। तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग लक्ष्मण झूला पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे लोग, एक लोग इधर से जा रहा है और दूसरा उस तरफ से आ रहा है। और ये झूले का बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे बैठने पे। यहाँ से यह दिखा रहे हैं आपको। अभी हमारे साथ हमारे आगे जो झूला जा रहा है उस पर अभिषेक भाई बैठे हुए हैं। इधर से देख सकते हैं आंटी जी आ रही है और ये एक भैया हैं जो कि बच्चे के साथ घूम रहे हैं। सीन देख लीजिए, ये पहाड़ पे है लक्ष्मण झूला। देखिए यहाँ पे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं कितना एंजॉय आ रहा है। सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं भैया बैठ के। नीचे का सीन दिखाते हैं आपको। यहाँ का सीन बहुत ही रोमांचित है। नीचे पहाड़ जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है गिरने का, लेकिन पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। नीचे
पूरा पहाड़ है ये भाई, पीछे आपको दिखा रहे हैं, ये सेल्फी ले रहे हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये लग रहा है रिटर्निंग स्टैंड है, यहाँ से रिटर्निंग है। चलिए देखते हैं आगे, ऊपर जाने में तो मज़ा आ ही रहा था, अब नीचे का देखते हैं, एंजॉय करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सनग्लासेस और थोड़ा नाश्ता वास्ता का, थोड़ा बहुत खिलौना। देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं वो यहाँ का निशानी के रूप में थोड़ा बहुत चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध जैन और सर्वे कर रहा है, क्या भी भगवान शिव का भी यहाँ पे मूर्ति है। अगर कोई लोग निशानी के रूप में कुछ चीज़ें लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अंगूठी भी है, ये देख लीजिए विश्व शांति स्तूप ऊपर पे, अभी हम लोग आ चुके हैं। ये आगे तो अभी आ चुके हैं हम लोग विश्व शांति स्तूप, जो कि नालंदा के राजगीर में है, और यहाँ विश्व शांति स्तूप कहा गया है जहाँ पे भगवान बुद्ध। यहाँ राजगीर के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ पे फुल फैमिली बैठी हुई है लंगूर की। देख सकते हैं भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक यह महान स्तूप नियोजित है। तो ये भारत और जापान के बीच की शांति स्तूप है, उनके बीच का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक है ये महास्तूप। यहाँ पे का फोटो खींच रहे हैं, तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। पर पीस फोटो का कितना लेते हैं? 20 रुपया, और एक 50 का, एक 100 का। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा तो भैया से जरूर एक बार फोटो खिंचवाइएगा। ये यहाँ से ऊपर से नीचे का सीन आप लोग देख लीजिए, पहाड़ी के ऊपर से चारों तरफ का सीन। एक बहुत बड़ा ही घंटा है, और आगे बैठने का पार्क पूर्क बना हुआ है कुछ, और इधर कुछ लंगूर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे टोपी किने हैं और कुछ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हैं पीछे सारे लोग, कुंदन भाई और राम प्रकाश दिख रहे हैं, सारे लोग बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और कुछ देर यहाँ पे इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे, उसके बाद कल का ब्लॉग बनाएंगे। हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ से दिखाएंगे नीचे का थोड़ा बहुत सीन। यहाँ से भी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे का आपको फोटो दिखाएंगे। ये देख लीजिए एक लंगूर बैठा हुआ है यहीं रास्ते पे, राम प्रकाश अंकुर प्रतीक और कुंदन सारे लोग वहाँ पे फोटोज खिंचवा रहे हैं। देख लीजिए लंगो,
देख लीजिए सारे लंगूर। यहाँ पे कुरकुरे खा रहा है लंगूर, मेरे से ले कैसे जैसे देखा ना, हाथ में कुरकुरे का पैकेट देखा तो हाथ से छीन लिया। देख सकते हैं यहाँ, यहाँ पे अगर खाने पीने का चीज लाइएगा तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि खाने पीने का चीज देख के ये लोग हाथों से हाथों पे अटैक कर देते हैं। हम यहाँ बैठते हैं फोटो खींचने अंदर से। इधर भी एक मंदिर है, हम इधर का भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ शेर के मूर्ति पे ये लंगूर बैठा हुआ है। देख बारिश हो रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहे कि झूला से ही रिटर्न जाना है, जिसके वजह से हमको हम लोगों को जाना पड़ रहा है, क्योंकि झूला अभी कुछ देर में बंद हो जाएगा। बारिश बहुत देर से, लगभग आधे घंटे से हो रही थी, बहुत देर से बारिश हो रही थी, जिसके वजह से देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा है। चारों तरफ कोहरा छा गया है, आप देख सकते हैं पीछे पूरे चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। और अभी हम लोग जो फ़ोटो खिंचवाए थे वो फ़ोटो लेने में बहुत ही लेट लग रहा है। देख सकते हैं वहाँ पे कुंदन, अंकुर, प्रत्येक सारे लोग वहाँ पे खड़ा होके उनसे फ़ोटो ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर से झूले से ही रिटर्न जाएंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी देख सकते हैं हम लोग नीचे जा रहे हैं बेस पे। ऊपर हम लोग शांति स्तूप घूम लिए, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कम जगह ही घूम पाए, लेकिन अब आगे नीचे जा रहे हैं। चढ़ने में तो उतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन उतरने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है। हमारे आगे अभिषेक, ओए अभिषेक की हाल छ, डरो लगे छ, हल्का हल्का की बेसी। देख रहे हैं नीचे से प्रतीक भाई, अंकुर भाई सबको बुला रहे हैं। नीचे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा खाई है, जिससे नीचे देखने में ऊपर जाने में तो मतलब मज़ा आ रहा था, लेकिन नीचे उतरने में थोड़ा बहुत डर लग रहा है। उतना नहीं, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं झूला अगर टूट जाए या खुल जाए तो क्या होगा। तो ऐसे खुलेगा तो नहीं, क्योंकि सेफ्टी देखते हुए सारे लोग, मतलब यहाँ के स्टाफ तो सेफ्टी देखते हुए सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी डर तो थोड़ा सा बना रहता है। देख लीजिए यहाँ डायरेक्ट ही मतलब बहुत बड़ा खाई है। अब तो मतलब उतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन उस जिस टाइम से मतलब पहली बार चढ़े थे और डायरेक्ट नीचे का उतार था तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, अब मतलब मन लगने लगा है। हल्की बारिश हो रही है और अभी हम लोग फिर से मतलब ऊपर शांति स्तूप घूम के थोड़ा बहुत जगह बच गया था बारिश के वजह से, अभी हम लोग मतलब घूम नहीं पाए, फ़ोटो वोटो खिंचवाने लगे, जिस वजह से थोड़ी लेट हो गई हम लोगों को घूमने में। और अभी हम लोग फिर से यही लक्ष्मण झूला से नीचे जा रहे हैं, बारिश हो रही है जिस वजह से मतलब हम भींग चुके हैं, देख सकते हैं बारिश हो रही है। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। रे प्रतीक, मौज में छाई ना, डरो लगे छ, हल्का फल्का ना। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, राम प्रकाश भाई, कुंदन भाई और सारे लोग धीरे धीरे एक वन बाय वन करके उतर रहे हैं, और सबसे लास्ट में मैं ही हूँ ग्रुप का। तो बच चुके हैं शाम के 5:30 और अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से शांति स्तूप को देख के। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश का एंजॉय लेते हुए अभी हम लोग निकलेंगे
रूम के लिए। तो चलिए इंजॉय करते हुए चलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे बादल दिख रहा है, पहाड़ से थोड़ा ही ऊपर है। सर बादल लग रहे हैं, देख सकते हैं अभी बादल, बारिश की वजह से यहाँ पे बादल बन गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग मस्ती कर रहे हैं।